सेवन चार्ली ये एक ऐसी फिल्म है जो इस फ्राइडे को सभी लोग देखना चाह रहे हैं इंक्लूडिंग मी, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। मुझे जो प्रीमियर्स हुआ था 6 जून को, उसमें जाने का मौका मिला जरूर था, लेकिन मैंने वो नहीं गया। रीजन मैं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कनाडा फिल्म, अपनी कनाडा फिल्म को मैं जाकर थिएटर में देखो, पैसे खर्च करके देखो, और जनता के साथ जो रिस्पांस है वो लू, और सब चीजें जिस दिन फिल्म रिलीज हो उसी दिन फिल्म को सपोर्ट करो, मेरा ये प्लान है, और वो ही मुझे सही लगा। इसलिए मौका होने के बावजूद मैं नहीं देखा, क्योंकि मैं उन स्पेशल लोग में नहीं आना चाहता जो लोग फिल्म रिलीज से पहले देख लिए। नहीं, मुझे फिल्म देखना उसी दिन अच्छा लगता है जिस दिन वो फिल्म रिलीज हो, और सब जनता के लिए उसी दिन रिलीज हो, तब मजा आता है। तो मैं खर्च करके, पैसे खर्च करके देखना चाहूंगा, चाहे जो भी टिकट हो, और 777 चार्ली इज ऑन माई वॉच लिस्ट। और भले ही अभी तक एडवांस बुकिंग ओपन हुई ना हो हिंदी मार्केट में सब जगह, लेकिन फिर भी मैं अपडेट करके रखा हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे ओपन होने में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में फोकस करने वाला हूँ इस फिल्म की स्क्रीन काउंट को लेकर, जो कहीं ना कहीं कुछ चीजें पता चली है। एक आर्टिकल के मुताबिक 777 चार्ली 1800 थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है। इन 1800 थिएटर्स में, जो पहले ओवरसीज की बात करते हैं, 200 जो स्क्रीन्स है वो यूएसए में रहने वाली इस फिल्म के लिए, और 100 स्क्रीन्स गल्फ में, यानी कि दुबई वगैरह मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, यानी कि 300 स्क्रीन्स तो आप मिनिमम पकड़ ही लीजिए ओवरसीज मार्केट में, और ओवरऑल जाते जाते मुझे लगता है 450 स्क्रीन्स तक हो जाएंगे, जो काफी अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं इंडिया में 100 प्रीमियर शोज फिलहाल है और ओपन है, और जो ऑलमोस्ट हाउसफुल है। मैं देख रहा हूँ 100 प्रीमियर शोज, यानी कि 9 तारीख से शाम 6:30-7 से दो तीन शो रखे थिएटर में, जो ऑलमोस्ट जैम पैक्ड हाउसफुल है, यानी कि प्रीमियर शो का अच्छा कलेक्शन या अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 777 चार्ली 350+ थिएटर्स में रिलीज करने का प्लान है कर्नाटका में। 350+ थिएटर्स मतलब उम्मीद कर सकते हैं 500-550 स्क्रीन आराम से मिले कर्नाटका में। और इसके अलावा ये फिल्म नेपाल में भी प्रीमियर करने का प्लान हो रहा है। वहीं ये फिल्म का जो कर्नाटका या कनाडा वर्जन है वो कार्तिक गोड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, यानी कि फिल्में पहुंचाएंगे थिएटर्स में केआरजी स्टूडियोज के बैनर तले। इसके अलावा पृथ्वीराज सुकुमार इसका मलयालम वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कार्तिक सुबरा जो बिगेस्ट डायरेक्टर्स में कह सकता हूँ तमिल इंडस्ट्री के है, वो इसका तमिल वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और राण रघुबट्टी इसका तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उम्मीद है कि वो 150+ थिएटर्स तक ये फिल्म पहुंचाए तेलुगु वर्जन में। और ये फिल्म का जो रिस्पांस है जो प्रीमियर शोज का, वो बहुत अच्छे आया है। मेरे कुछ लोगों ने, दोस्तों ने फिल्म देखी है, उन्हें फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैं हिंदी मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उन्हें फिल्म अच्छी लगी है। तो फिल्म को लेकर मुझे कोई डाउट ऐसा कुछ है नहीं, मुझे पता है फिल्म चलने वाली है। एंड कर्नाटका सिनेमा की जो फिल्म है इसको बनने में 5 साल का मेहनत दिया है डायरेक्टर ने, और बाकी जो एक्टर्स ने 2 साल की कम से कम मेहनत दी है। और इतनी मेहनत से अगर फिल्म बन रही है तो वो फिल्म नहीं होती, वो आपका एक बोलते हैं बच्चा होता है, उसको आप कितना लाड़ प्यार करते हैं, बस सेम ये उनकी फिल्म है। और यहाँ पे चार्ली बहुत ही मस्तीखोर है, मैं देखा है जो घूम रहा था, तो बहुत मस्ती करता है, बट अच्छा लगा। उम्मीद है ये फिल्म बढ़िया चले, और डॉग लवर्स के लिए एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, और मेरे को लगता है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक ह्यूमन इमोशंस, एक फीलिंग, इसे अगर फिल्म देखकर कुछ लोग भी जो स्ट्रे डॉग्स है या बाहर जो रस्तों पर डॉग्स है उनको अगर अडॉप्ट कर ले, तो मेरे ख्याल से इस फिल्म का मिशन पूरा हो जाएगा। तो आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर दिस फिल्म। 1800+ थिएटर्स वर्ल्ड वाइड, और स्क्रीन काउंट का जो अपडेट है वो जैसे भी पता चलेगा वो ऑफिशियल बताऊंगा, लेकिन आप इसे स्क्रीन काउंट ही पकड़ सकते हैं। 1800 अगर थिएटर्स है तो मान लीजिए उससे ज्यादा ही स्क्रीन्स होंगे वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म कुछ नहीं तो 2400-2500 स्क्रीन्स फिलहाल टारगेट करती हुई नजर आ रही, मेरा ऐसा मानना है। जैसे भी होगा अपडेट बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।